ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोग हमारा पास आए थे और मैं प्रधानमंत्री, सभी पार्लियामेंट मेंबर और सभी लीडर को भी खत लिखे थे आप लोग का बारे में। हमको जानकारी है जब यूपीए गवर्नमेंट था 1995 में पेंशन स्कीम होने का बाद 2012-13 में सरकार की स्तर पर पार्लियामेंट में भी डिस्कशन हुआ था मिनिमम 1000 को 2000 करने के लिए, और ये 2000 करने का बातचीत होने का बाद यूपीए सरकार चले गए और एनडीए सरकार आए, मगर अभी 2000 नहीं हुआ। सवाल ये है ईपीएफ का कर्मचारी जो लोग कंट्रीब्यूट करता है अपना भविष्य बनाने के लिए मंथली रेगुलरली कंट्रीब्यूट करता है, और दुख की बात है उनको 1000 मिलता है, कुछ लोगों को भी 600-700 रुपया महीना मिलता है। इसका बारे में बातचीत बार बार हुआ है। अभी जो प्रधानमंत्री है एनडीए का, वो अनाउंस कर रहे हैं कोई स्कीम में 5000 पेंशन मिलेगा, कोई स्कीम में 3000 पेंशन मिलेगा, मिलेगा कि मिलेगा पता नहीं, पर सवाल यह है पैसा नहीं देके वह पैसा कम देके एक आदमी को ये भारत वर्ष में 5000 महीना को पेंशन मिलेगा और 3000 मिलेगा, मगर जो ईपीएफ कर्मचारी मंथली रेगुलर कंट्रीब्यूट किया है उनको 1000 मिलता है और 600 रुपया मिलता है, ये बड़ा दुख की बात है। इसका बारे में बार बार डिस्कशन हुआ है। सरकार बहादुर, आप लोग का बात अभी तक भी नहीं सुना है, ये सबसे बड़ा दुख की बात है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आज एक्स पार्लियामेंट मेंबर एंड आईएनटीयूसी लीडर, आप लोग का बात कैसे पार्लियामेंट में उठेगा? लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा, और हमारा भी जो कांग्रेस पार्टी का नेता है राहुल जी सोनिया जी का पास जरिया में पार्लियामेंट में उसको उठाने के लिए जरूर कोशिश करेंगे। आप लोग लड़ते रहिए, आप लोग मजदूर हैं, आप लोग मेहनत का कमाई को आप लोग ने कंट्रीब्यूट किया है, आप लोग का दावी जेन्युइन है और मैं आपका दावी को समर्थन करते हुए आप लोग का साथ में रहने के लिए, आप लोग का साथ मिलकर लड़ाई करने के लिए और आप लोग का दावी को आगे लेने के लिए जो भी हो सकता है मैं आप सभी को ये आश्वासन देता हूँ आप लोग को जरूर मदद करेंगे। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।